तो बड़ी अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना की तैयारी में जुटे हैं कर्मचारी और अधिकारी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव नतीजे अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे। इसके अलावा मैनपुरी, खतौली, रामपुर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो रहे हैं, उनके भी नतीजे आज आएंगे। 8 बजे के बाद ईवीएम पर पहला रुझान देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद मतगणना होगी। मतगणना की तैयारी में जुटे हुए हैं कर्मचारी और अधिकारी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे इस वक्त आपको बता दें कि आज लाइव आएंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अधिकारी और पदाधिकारी प्रत्याशियों के समर्थक सभी ईवीएम के अंदर जो काउंटर है जहां पर मतगणना होनी है वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। एजेंट है जो वो शुरू हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा चेकिंग के बाद लोगों को अंदर लगाया जा रहा है। 8 बजे सबसे पहले आपको बता दें कि मतगणना का आंकड़ा आएगा, उस समय हम आपके साथ लाइव रहेंगे और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे हिमाचल और गुजरात चुनाव को लेकर।